जनरल चतुर्वेदी सर मेरे साथ हैं। सर, यूक्रेन के जबरदस्त अटैक का मतलब क्या ये समझा जाए अभी इस वक्त के हालात में कि जानबूझ के रशिया ने अटेंशन जो है अपनी तरफ सीख कर ली है, कहा है कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग। और यूएस को कि आप हमको हल्के में ना लीजिए, और अगर आप देखिए कि जो उन्होंने टारगेट्स चुने हैं केव, लवीव, ओडिशा और खार्किव, तो ये अन्नेत्रोपेजस की, तो ये जो सारे एरिया हैं ये बिल्कुल क्लियरली सजेस्ट करते हैं बहुत क्लियरली कि भाई हम तुम्हें कहीं पर भी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ दो और न्यूज निशान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल उन्होंने हाइमार्स को डिस्ट्रॉय किया है रात को, दूसरा उन्होंने जो पेट्रियट है उनकी एक, उनको अमेरिकन कह तो रहे हैं कि रिपेयर कर लिया लेकिन एक पेट्रियट को भी डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने, तो डैमेज किया है। तो ये जो चीज है कि रशिया इज नॉट बैकिंग डाउन, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, तो ये मेरा मानना है। सर, आप जो बता रहे हैं ये वाकई में चिंताजनक है। गौरव, मैं आपके पास अभी स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं और ये सवाल है, मैं इंडियन जो ऑडियंस है उसके जोश को लेकर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या G7 में इस बात को लेकर तनाव है, टेंशन है कि रशिया ने अपना जो अटैक मोड है वो बढ़ा दिया है? बिल्कुल निशान, देखिए अभी जो दूसरा सत्र हुआ G7 का उसमें चर्चा ही केवल रूस और यूक्रेन के युद्ध पर हुई है और लगातार सभी G7 कंट्रीज ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि कैसे हमें रूस और यूक्रेन के इस वॉर में यूक्रेन की मदद करनी है और रूस के अटैक को नाकाम करना है। और आप जानते हैं कि G7 में अधिकतर कंट्रीज नेटो के भी शामिल हैं, तो यहाँ पर पूरी कोशिश है कि किस तरह से रूस यूक्रेन के इस वॉर में यूक्रेन को मजबूत किया जाए, उसका साथ दिया जाए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन आ रहे हैं, शनिवार को पहुंच रहे हैं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है और आप समझिए जब खुद ज़ेलेंस्की यहां पर होंगे तो पूरी की पूरी G7 समिट का लब्बो लुआब ही इस युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त थर्ड सेशन चल रहा है और उस थर्ड सेशन में क्या बातें हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना, ठीक है गौरव मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए गौरव। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए एक्शन में, दिखा यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। ये देखिए, रूस के 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए गए, यूक्रेन का दावा है। रूस के 16 ड्रोन मार गिराए गए, यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन ने रूस के 9वे की अटैक को किया नाकाम। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से अटैक किए गए हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है यूक्रेन पर रशिया ने अटैक तेज कर दिए हैं और उसी लिए ये हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ से हमला किया गया है। नंबर 1, किस तरीके से अटैक किए गए हैं। नंबर 2,